अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय गेमिंग चैनल। तो आज हम लोग पूरे चार दिन बाद भाई खेलने जा रहे हैं नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। तो भाई ये आप देख सकते हो सामने जो BMW दिख रही है यार, ये हमसे मतलब रेजर ने छीन ली है। और जो कि मैंने आपको पहले एपिसोड में मेरे रेजर से मुलाकात हुई थी तो उसने आपको पता है कि हमारे साथ क्या किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक दे दूंगा, देखना। और ये हम भाई स्टॉक सुपड़ा से, हम लोग लास्ट वाले ब्लैकलिस्ट राइवल को हमने हराते इसी स्टॉक सुपड़ा से। वैसे मैं इसमें थोड़ा सा काम करा था लेकिन फिर भी यार इतनी ये उस हिसाब से इतनी पावरफुल नहीं थी जितनी मैं इसको मतलब कि एक GTR के कंपेयर में मान रहा था। ये देखो GTR की टॉप स्पीड और वो हैंडलिंग वगैरह देखो, क्या टॉप स्पीड तो सुपड़ा की ज़्यादा है एक्सलेशन की, लेकिन GTR की नेक्स्ट लेवल आपको बताऊँ, ये बहुत प्यारी स्पीड, बहुत जल्दी स्पीड पकड़ती है। मैंने इसके साथ ही मतलब कि ब्लैकलिस्ट 13 मतलब के जो विक था ना, मतलब कि जो लास्ट वाली वीडियो है उससे पहले एक और वीडियो डाल दी नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के हवाले से, उसके ना मैंने इस गाड़ी से मतलब के उसको हराया था। उसके बाद सुपड़ा थी गाड़ी से बात, जो अपन ले ली थी, मैं ऐसा कलर वलर चेंज कर दिया था। और भाई हमारी मतलब के पिछले मतलब के गेम प्ले की जो जीत थी, मतलब कि मोस्ट वांटेड के जो गेम प्ले की जीतती हुई है हमें RX-8, जिसको हम लोग प्यार से रेक्सी भी बोलते हैं, ये हमने उससे जीत ली थी भाई। तो आओ इस गाड़ी को देखते हैं और चेक करते हैं कि कितनी पावरफुल है। वैसे भाई अभी हम लोगों को ब्लैकलिस्ट 11 से आज लड़ना है, तो मैं आज इसकी मतलब रेस खेल के दिखाऊंगा। और भाई इसके पास है मिट्सुबिशी की गाड़ी, जो कि आप देख सकते हो कि इसने काफ़ी अच्छी वगैरह बनाई हुई है और विनाइल भी काफ़ी प्यारे लगाए हुए हैं। और गाड़ी खैर मुझे इतनी अच्छी लगती है अली, पता नहीं क्यों उसका शेप इतना अच्छा नहीं लगता। खैर हमें इसके अंदर भाई तकरीबन, ये भी दोबारा जब टारगेट है हमारा 5 रेस हमें खेलनी है, जीतनी है, मतलब के माइलेज में 3 कम्प्लीट करनी है और बाउंड्री में करनी टोटल 3 लाख। तो बाउंड्री है 50,000 कम और माइलेज हमें करना है 3 और हमें रेसें करनी है 5। चलो एक रेस मैं आपको जल्दी से खेल के दिखाता हूँ। ये भाई होती टूल बोट वाली रेस, जो टाइम वाली रेस होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है। अभी मैं आपको खेल के दिखाता हूँ एक, क्योंकि शायद मैंने वाली रेस आपको खेल के नहीं दिखाई है। तो चलो दिखाता हूँ, इसमें काफ़ी तफरी आती है, अभी दिखाता हूँ। और गाड़ी हमने ली है रेक्सी, मतलब कि अपनी माजा RX-8, जो कि हमने लास्ट वाले गेम प्ले से जीती थी। आई थिंक आवाज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। हाँ तो भाई मैंने थोड़ी सी आवाज़ कम करी है, अगर तुम लोग को आवाज़ थोड़ी कम लग रही है तो यार थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट रात को वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि यार असल में लेट बनाने का मकसद हो क्या सिंपल सा यार, क्योंकि इस वक्त होती है थोड़ा बहुत सन्ना, मतलब थोड़ी शांति होती है ना, कई बार पीपी वाला होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, बाहर आप सुकून से वीडियो बना लोगे। क्योंकि आमतौर पर यार अपन कोई भी चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। चूँकि मेरे दोस्त भाई रिकॉर्ड वगैरह करते होंगे, उनको पता होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर यार अपनी रेक्सी काफ़ी इतनी बुरी भी नहीं, काफ़ी प्यारी अच्छी चलने में यार, अपनी एक्चुअली सुपड़ा से तो बहुत अच्छी है यार, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सुपड़ा से, सुपड़ा उस हिसाब की नहीं है। लेकिन आप लोग फिक्र नहीं करो, मैं सुपड़ा को इस मतलब के गेम प्ले के अंदर ऐसा बना दूंगा, मतलब के मैं इसको ऐसा मॉडिफाई कर लूँगा कि आप देखते रह जाओगे। तो फिर वीडियो को यार लास्ट तक ज़रूर देखना, मुझे पता है कि आप लोग वीडियो छोड़ के चला दो बीच में से, यार वीडियो पूरी देखना तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगी, अगर आधी देखोगे तो कहाँ समझ में आएगी। ये देखो भाई अपने मजाक कर रहे हैं, एक टूल पार मतलब के टूल बोट, इसको जो भी कहते हैं टूल बोट कहते हैं बेसिकली, तो हमने पार कर दिया है। असल में जो आप ऊपर देख रहे हो ना राइट साइड पे जो टाइम चल रहा है 40 हो गया, अभी 39 हो गया, 38 हो गया, इससे मतलब के इसको जीरो पे पहुंचने से पहले हमें आता हूँ वो टूल बोट पे पहुँचना होता है। और हम ये देख रहे हो कम्प्लीट वाला चक्कर जो आ रही है, तो वहाँ समझ लो मिशन होता है, मैं 26 सेकेंड रह गया मैं पहले पहुँचना उससे, एक तरह से समझ लो एक छोटा सा वो होता है, एक तरह से गाड़ी की इस परफॉर्मेंस देखी जाती है गाड़ी कितनी काबिल है, गाड़ी इसको पार करती नहीं करती। खैर अभी मेरी नज़र में तो रेक्सी बहुत प्यारी चल रही है तो गाड़ी भाई। और भाई अभी मैं आपको अपने गैराज का टूर भी कराता हूँ, बस मेरा 2 महीने टूर बहुत कम्प्लीट कर लिए हैं और एक रह गया है, इसको भी मैं जल्द से जल्द कम्प्लीट करता हूँ, तो फिर अपन मतलब के अपन ये रेस जीत जाएंगे भाई। और हाँ अगर आपको कोई और सा गेम प्ले चाहिए तो मैं ज़रूर कमेंट कर बताना भाई, क्योंकि मैं 2-3 मतलब के गेम के ऊपर वीडियो डालता रहता हूँ खाली अक्सर, बताऊँ क्यों, क्योंकि मैं इसकी सीरीज़ वगैरह चल रही है तो इस वजह से। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कोई और सा गेम प्ले चाहिए तो मैं ज़रूर बताना, मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के ज़रूर बनाऊँगा, कोई मसला नहीं है।
कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके लिए बना लेंगे भाई। और भाई दूसरी बात ये है कि हाँ दूसरी बात ये है कि अगर आप लोग कोई और मतलब कि हॉरर गेम प्ले सीरीज चाहिए तो मैं वो ही बताना, क्योंकि बहुत से लोग हैं हॉरर गेम मतलब कि पसंद होता है, मुझे भी मतलब कि हॉरर मूवी देखना पसंद, लेकिन गेम खेलना मुझे इतना खैर पसंद नहीं है। ठीक है, तफरी आती मज़ा आएगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट के अंदर। और मैंने लास्ट मतलब कि अभी डाल दी जी टी 5 की वीडियो, देखो हम लोग बातें करते करते हम लोग जीत गए, हमारी स्पीड आई 216 किलोमीटर पर आर। क्या मेरे हिसाब से इस गाड़ी के हिसाब से बहुत अच्छी स्पीड है, इसकी टॉप स्पीड भी इतनी नहीं है। चलो भाई अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं गैराज टूर करवाया हूँ जल्द से जल्द। और आप यहाँ पर चलो मैं आपको पहले दिखाया था, हमने रेस विंस हमने तकरीबन करनी है 5 में से 1, तो ये भाई मुझे सब कुछ ही करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, तो इस फिक्र नहीं करो ये सब मैं स्किप कर दूंगा, आपको मैं डायरेक्ट आगे की चीज़ दिखाऊंगा, फिक्र नहीं करो। अभी आपको मैं गैराज का टूर करवाता हूँ भाई, हमारी प्यारी सी मॉडल एक्स जो कि इसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको सेल करूँ ना तो अभी भी ये मतलब कि 25 लाख रुपए की, मतलब 2.5 मिलियन की कार है, 2.5 मिलियन की कार। और बाकी हमने ये मतलब कि ब्लैकलिस्ट 14 वाले से जीती थी अली कार, लेक्सस, ये इतनी कोई खास नहीं, इसको मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम बेच दूंगा, ये अपनी स्काईलाइन है, ये बड़ी प्यारी गाड़ी है, इसको मैं शायद मुश्किल ही बेचूंगा अभी फ़िलहाल, इसको मैं रखूंगा अपने पास सजा के। और ये अपनी टोयोटा सुप्रा, इसको मैं भी मॉडिफाई करूंगा, अभी आप देखते रहोगे आपकी आँखें फट जाएंगी अगर आपको ये गाड़ी मतलब कि मॉडिफाई होने के बाद लगेगी ना मतलब कि प्यारी, मैं इसका लुक ही चेंज कर दूंगा बिल्कुल, ये सुप्रा रहेगी फिर कोई और सी गाड़ी हो जाएगी, ऐसा मॉडल मैं इसका चेंज कर दूंगा। अभी देख रहे हो ना आगे से पीछे से कैसी है ये अपनी रेक्सी बहुत प्यारी गाड़ी है। चलो एक मिनट एक काम करता हूँ कि रेक्सी को सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, रेक्सी से रेस करेंगे अब तो। चलो मैं बस आया, जब तक आप ये काम कर लो छोटा सा। तो गाइस मैंने इसकी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब स्टार आ चुका है, इसलिए शॉर्टकट के लिए यहाँ पे 2 वाला बटन बोल रहा दबाने को। देखो मैंने रेस इवेंट के अंदर कैमरे वाली कर ली थी और टाइम वाली और स्प्रिंट कर ली थी और एक ड्रैग वाली कर ली थी, जैसे टाइम अपना बचा और माइलेज टन मैंने कम्प्लीट कर ली। बाउंड्री देखो हमें तकरीबन 3 लाख करनी थी लेकिन मैंने फिर भी 50-60 हज़ार एक्स्ट्रा कर ली भाई। अभी आप देख सकते हो कि GTR सेलेक्टेड है, क्योंकि भाई मैंने पहले रेक्सी से रेस खेली लेकिन मुझे अभी मतलब GTR की याद आ रही थी, क्योंकि GTR की बहुत अलग ही नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस थी इस वजह से। और इसमें मतलब पुलिस भी इसकी हीट लेवल भी इसका काफ़ी बड़ा हो, तो उस हिसाब से मैंने ये गाड़ी ली। तो चलो अपने दिल को थामे रखो और ये देखो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा रहा हूँ, मैंने मतलब कि टोयोटा सुप्रा को पूरा मॉडिफाई कर दिया, मतलब कि बिल्कुल ही गाड़ी बदल दी भाई बिल्कुल। तो चलो ये मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स गो। ये देखो देख रहे हो कैसी लग रही है, हो गई ना बिल्कुल अलग, मतलब के बिल्कुल ही अलग टाइप की हो गई है टोयोटा की, लेकिन अब इसका मतलब कि मैंने बिल्कुल इसको चेंज कर दिया मॉडिफाई, मतलब कि बिल्कुल ही गाड़ी चेंज कर दी मैंने, इसका नाम FT1 हो गया, FT1 विजन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। और देखते हैं भाई इस गाड़ी की क्या परफॉर्मेंस आती है। और ये तो चलो हो गई मेरी गाड़ी, और तो भाई मैंने इतनी ख़तरनाक गाड़ी ली कि मैंने मतलब कि इस गाड़ी को मैंने भी मतलब पहले मतलब के इतना देखा नहीं था, मैंने भी मतलब के इसको आज मतलब के देखा है और काफ़ी मुझे अच्छी मतलब के गाड़ी लगी लुक वाइज और स्पीड वाइज, पता नहीं कैसी होगी मैं चला के देखूँगा। तो चलो गाइस इसको सेलेक्ट करते हैं और उससे हम लोग रेस खेलने जाते हैं स्टार पर आके। और गैस वार्ड, जब मैंने इतनी प्यारी गाड़ी ले ली, इतनी अच्छी गाड़ी ले ली है, तो आपको क्या लग रहा है कि मैंने उसको वो इसके सामने इक्लिप्स मतलब के कुछ भी नहीं है, मैंने इसको घटिया गाड़ी थोड़ी दी होगी। अब देखना मैं रायवली गाड़ी किस गाड़ी में कन्वर्ट करी है, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। और अगर आपको दोस्तों ये वाली गाड़ी पसंद आए ना तो ज़रूर इस वीडियो के ऊपर लाइक करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। चलो भाई हम लोग स्टार पर पहुँच चुके हैं और हम लोग ये गाड़ी देख सकते हो कैसी लाइटों वाली हो रही है, और एक तरह समझ लो ये थोड़ी कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन इसको थोड़ा चलाना भाई थोड़ा मुश्किल है, आपको बताऊं मैं इसको दूसरी कार से चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसको थोड़ा संभालना मुश्किल होगा। चलो भाई बिना टाइम वेस्ट किए अपन लोग बॉस रेस खेलते हैं और मैं स्टार को करता हूँ एंटर। और भाई इसकी 2 सर्किट वाली रेसें हैं, मतलब कि हमें मतलब काफ़ी घूमना पड़ेगा, इसका मतलब ये है कि चलो भाई चैलेंज करते हैं इसका एक्सेप्ट, आ जाओ भाई। और सॉन्ग भी चल रहा है,
ये हमारी गाड़ी यार, हमारी गाड़ी के लुक देखो कितनी प्यारी लग रहा है, नीचे ग्राफिक कार्ड लगे हुए हैं। ये देखो मैं राइवल को दी हुई दुनिया की उससे मतलब फास्टेस्ट गाड़ी में इसका नाम आता, इसका नाम है लैम्बोर्गिनी डायबलो। है कंपनी तुम नाम को छोड़ो लेकिन कंपनी देखो, कंपनी तो लैम्बोर्गिनी ना। अब होगा दोस्तों मुकाबला टक्कर का। है अबे यार थोड़ा बहुत शिफ्ट परफेक्ट नहीं हुआ लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं असल में शिफ्ट परफेक्ट मारने के चक्कर में था लेकिन मुझसे हुआ नहीं, चलो कोई बात नहीं। दो वैसे भी दो लैप की है सही है, आप देख ही सकते हो कैसे वो भगा रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छी गाड़ी लगा के दी है, क्योंकि मैं चाहता कि थोड़ा मुकाबला थोड़ा और टक्कर का। अगर मैं उसको वही वाली गाड़ी दे देता तो फिर यार मज़ा नहीं आता, वो चुटकियों मुझसे पीछे होता, तो इसलिए भाई मैंने भी उसको मतलब के मॉडिफाई मतलब के गाड़ी दे दी। और भाई आप यकीन करो कि भले ये रेस मुझसे हारे या जीते, ये बंदा मुझे दुआएं देगा कि यार इस बंदे ने मुझे लैम्बोर्गिनी दे दी, वरना ये बंदा बदले लैम्बोर्गिनी ले पाते नहीं ले पाता। आप देख रहे हो कि लैम्बोर्गिनी कितनी प्यारी चल रही है। अब मुझे इसकी गाड़ी का मतलब कि लुक वाइज इतनी प्यारी लग रही मुझे गाड़ी कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं रेस खेलूँ मतलब कि जीत जाऊँ और इसकी गाड़ी ले लूँ। अगर मिल गई तो अच्छी बात है भाई, नहीं तो फिर आप लोग दूसरा तरीका से मारेंगे अपना, कोई बात नहीं मॉडिफाई कर देंगे उसको, दोबारा चेंज कर देंगे उसमें। और ये गाड़ी काफ़ी स्पीड में चलने के बावजूद मतलब वजह से ये आपको थोड़ा बहुत मोशन ब्लर दिख रहा होगा, गाड़ी है काफ़ी स्पीड में। और भाई आपके भाई ने थोड़ी बहुत लीड दे दी है लेकिन फिर भी भाई कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पीछे आ रही लैम्बोर्गिनी। अब वो इक्लिप्स नहीं है कि इक्लिप्स का अपन लोग चलो हल्का लेके छोड़ दें पीछे, चलो कोई नहीं यार एक लैप तो अपन ने पार कर लिया, लीड अच्छी दे दी आपके भाई ने। ये देखो असल में दूसरी गाड़ी हुई, देखो कैसे निकला आपने देखा उसकी स्पीड देखी आपने, और निकलने की आप वो देखो कैसे वो निकला फौरन कि लैम्बोर्गिनी उसके पास यार, हल्की गाड़ी हो लैम्बोर्गिनी। और ये वाला मॉडल तो है भी नहीं इस गेम के अंदर, ये मैंने डाल दिया था। और भाई यार मैं आपको चीज़ बताना भूल गया कि भाई जब मैं रेसेस वगैरह खेल रहा था ना तो रॉब जो है ना अपना दोस्त जिसके पास अपन जाके पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं और इंजन मतलब के बनवाते हैं या मॉडिफाई वगैरह कराते हैं गाड़ी, उसका भाई मैसेज आया, वो कह रहा है कि भाई क्रॉस है ना जो मतलब के इस मतलब के सिटी का जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास आ गई हमारी फाइल, तब वो हमारे मतलब हमारे में इंटरेस्ट ले रहे क्योंकि हम लोग आपको पता है कि अभी एक तरह समझ लो हम लोग राइस कर रहे हैं इस मतलब के हीट फॉर स्पीड के जंगल के अंदर, मतलब एक तरह से ये समझ लो कि हम लोग थोड़ा फेमस हो रहे हैं क्योंकि हम लोग रेसेस भी जीत रहे हैं, ब्लैक लिस्ट वालों को भी हरा रहे हैं, तो इस वजह से भाई लोग हम पे इंटरेस्टेड है। और बातों में इतना पीछे निकल गया मैं लेकिन कोई बात नहीं, अभी लैब थोड़ा ख़त्म होने में थोड़ा टाइम रह गया, तो फिर मैं अब कोशिश ये करूँगा कि भाई क्योंकि इस गाड़ी को चलाना थोड़ा है मुश्किल, इसकी हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है देख रहे हो, तो मुझे थोड़ा बहुत ये है कि कहना पड़ेगा हाँ वो थोड़ा बहुत भाई टाइम वाली पावर लगानी पड़ेगी इससे मैं थोड़ा बहुत अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकूं, वरना अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो भाई ये मुकाबला आप खुद भी देख रहे हो, ये मुकाबला है टक्कर का बिल्कुल, इसमें ना ही मेरी गाड़ी जा दे ना ही उसकी गाड़ी जा दे। चलो भाई आपका भाई ये वाली रेस तो जीत चुका है बड़े मतलब के प्यार से बड़े ध्यान से, तो अब बारी है दूसरे मतलब के उसकी, अब देखते हैं क्या सीन होता भाई सर्किट वाले जैसे ही भी एक और। चलो भाई आ जाओ भाई, है भी ये भी टोयोटा की लेकिन लिटरली गाड़ी टोयोटा वालों ने ऐसी बनाया गया दिल खुश कर दिया, बस की हैंडलिंग भी थोड़ा बहुत और दे रहे थे ना यार वो लोग तो हैंड ही होगा काम। चलो भाई ये मैंने परफेक्ट शिफ्ट मार दिया इस बार, मैंने बोला कि चलो नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं लेकिन हो गया इस दफ़ा। और भाई इस दफ़ा तो भाई तीन लैप की रेस है, मतलब थोड़ा बहुत आपका मतलब क्या आप थोड़ा बोर हो सकते हो लेकिन कोई बात नहीं हम लोग बातें भी करते रहेंगे। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि यार आपको इसकी मतलब कि लैम्बोर्गिनी ऐसी लगी, थोड़ा पुराना मॉडल है भाई भी अब नहीं आता, आप इसकी जगह एक और मॉडल मतलब कि आता है वो भी खैर पुराना हो चुका है लेकिन वो फिर भी इससे नया है, इसका नाम कॉम्पटेक है, कॉम्पटेक ऐसी कुछ नाम है सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो, कॉम्पटेच या टॉप कॉम्पटेक ऐसी कुछ नाम है उसका, सी से आता है वो भी बड़ी प्यारी मतलब के काफ़ी प्यारा लुक है उसका भी, और तकरीबन सिमिलर लुक है इससे ही लेकिन वो मेरे ख्याल ज़्यादा पावरफुल है और वो काफ़ी रेयर गाड़ी कहलाती है वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ ना आप चेकआउट करना, वही तो गाड़ी का भाई शौक है इसलिए थोड़ा मुझे मालूम है दो तीन चीज़ों की।
ओ यार इसकी यार लैम्बर्गिनी बड़ी प्यारी चल रही है यार, मेरा दिल आ गया इसका। सिलाई देख रहे हो कितनी प्यारी मारी। देखिए भाई हमारी गाड़ी भी कुछ कम नहीं, इसकी स्लाइड नहीं प्यारी नहीं लग रही जिस हिसाब से मैं सोच रहा था, लेकिन अब जो जी टी आर की स्लाइड लगती है ना, ओए क्या जी उसकी स्लाइड क्या प्यारी लगती है यार। अरे हाय अब टक्कर हो गई इसकी यार, इसने इतनी करोड़ रुपये की गाड़ी ठोक दी यार, क्या है ये। आपको पता है लैम्बोर्गिनी करोड़ रुपये की आती है यार, महंगी होती है लैम्बोर्गिनी बहुत। यार अपनी भी गाड़ी यार काफ़ी कुछ कम नहीं, अपनी कॉन्सेप्ट का शायद ये हो सकता है लैम्बोर्गिनी से भी ऊपर की हो। बस यार मुझे ये अच्छी लगी, लेकिन अब मैं इसको चलाने के बाद कह सकता हूँ कि यार गाड़ी तो अच्छी लेकिन इसकी हैंडलिंग पे मैं ध्यान देना पड़ेगा, इसकी हैंडलिंग में सही करवाऊँगा, रॉक के पास गाड़ी भेजूँगा अपनी भाई, सही करवाएंगे हैंडल, वो हैंडल बोलो हैंडलिंग। और हाँ दोस्तों मैं पूछना चाह रहा था कि यार क्या मैं जीटी वाई सिटी के ऊपर वीडियो डालूँ, क्योंकि तो यार वो भी काफ़ी पुराना गेम हो चुका है, और ग्राफिकर नहीं करो उसको भी मैं थोड़ा अच्छी ग्राफिक के अंदर ही एडिट मतलब के उसकी रिकॉर्डिंग करूँगा, आपको ग्राफिक से कोई शिकायत नहीं होगी। बाकी फिर भी पूछना चाहता हूँ कि मैं जी टी वाई सिटी के गेम पे बनाऊँ या जी टी फाइव के ऊपर बनाऊँ, मैं प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर बताना जो भी आपके ओपिनियन है, हम उसके अंदर ज़रूर गौर करेंगे। और भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा बहुत क्या मतलब सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करोगे तो यार मोटिवेशन मिलेगी और बाकी ये कि खुशी मिलेगी, बंदा और मेहनत करेगा आपके लिए और तगड़ा कंटेंट लाऊंगा इंशाल्लाह, और आगे आगे कर दो सब्सक्राइब यार, आपसे इतनी प्यार से कह रहा हूँ, इतनी प्यार से तो मैं किसी से किसी नहीं कहता, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ किससे नहीं मतलब कि हर किसी से नहीं कहता, मगर ये बात भी नहीं किसी किसी को कहता हूँ प्यार से यार, आप लोग मेरी फैमिली की तरह हो यार, तो कर दो सब्सक्राइब यार और लाइक कर दो तो और अच्छी बात हो जाएगी कि यार चलो आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा पुराना कंटेंट है, लेकिन मैं इसको मतलब कि कोशिश करता हूँ कि थोड़ा नए अंदाज में करूँ, मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ गाड़ियाँ मतलब कि चेंज कर लेता हूँ, बाकी सॉरी ग्राफिक वगैरह पे मैंने काम करा है वो तो खैर मैंने एक दफ़ा चेंज करी इसकी ग्राफिक वगैरह, तो मुझे ये ग्राफिक काफ़ी सूट इस पर अच्छी लगी, इस पर अच्छी भी लग रही है, क्योंकि जो पुरानी ग्राफिक थी ना वो इतनी कोई ख़ास नहीं थी, थोड़ा बहुत मैंने ग्राफिक को छेड़ा है। चलो भाई आप देख सकते हो कि हम बातों बातों में बहुत आगे आ चुके हैं, जबकि इसका लैम्बर्गिनी डायबलो है तो वो एक पल भर में हरा सकता है अगर वो चाहे तो, अगर वो गाड़ी सही से चलाए तो। है जो बात है यार उसका तो खैर दिन बन गया आज का, जो मैंने उसको लैम्बर्गिनी दिला दी। ओए होए मैं समझा गया, मैं लगे ले भाई आज तो ट्रक से गया भाई, मसला ये ट्रक से टकराने कोई मसला नहीं, मसला है कि पूरी स्पीड टूट जाती यार, यही मसला होता है, अगर स्पीड टूट गई तो समझ लो भाई बिग लो को मौका मिल जाएगा आगे आने का, बिग लाओ या बिग लो जो भी इसका नाम है पागल का ब्लैक लिस्ट 11 वाले का। ये देखो अभी मेरी गाड़ी मतलब थोड़ी पिसल रही थी, डिसबैलेंस हो रही थी, देखो बिग लो कितना आगे आ चुका है। ओए होए देख रहे हो, अगर ये समझ लो अगर ये आखिर मतलब के लैब होता तो यार मेरे मतलब एक तरह से वो हो जाए, अरे मानो पे पानी फिर जाता एक तरह से आप ये कह सकते हो। अब भाई आखिरी ज़्यादा लैप है तो इसके लिए मैं थोड़ा बहुत ध्यान से मतलब कि चलानी पड़ेगी गाड़ी, क्योंकि ये आखिरी लैप है इसमें गलती गुंजाइश नहीं है। अब पहले तो मैं मजाक में ऐसी खेला था, आपसे बातें भी कर रहा था और आगे भी था, अब ये कि बिग लो काफ़ी मेरे पीछे है, उसके पास गाड़ी भी कोई हल्की वाली गाड़ी नहीं है, उसके पास लैम्बोर्गिनी डायबलो, तो मैं पूरी कोशिश ये करूँगा कि इस गाड़ी को लूँ। और तकरीबन ये लैब मतलब ख़त्म मतलब कि होने वाला है, लेकिन इसको थोड़ा बहुत अभी टाइम है, नहीं मेरे ख्याल से अभी तक लैब आधा भी नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। आए भाई देख लो बहुत स्पीड में आ रहा है हमारे पीछे, अच्छा दूसरे रास्ते सारे यही बोलो दिख नहीं रहा भाई। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको, मुझे ब्रेक मारना तो पसंद नहीं गाड़ी में, मैं डायरेक्ट मतलब भगाता हूँ ये भाई, असल में गाड़ी थोड़ी बहुत ऐसी थोड़ी फिसल ली मतलब कि फिसल नहीं रही, फिसल ली तो बहुत फिसल ली जैसा कि आप देख सकते हो घास में, हालांकि इसकी हैंडलिंग थोड़ी बहुत नहीं कोई ख़ास नहीं है, बताओ ना मैं इसकी हैंडलिंग पे काम कर दूँगा। थैंक यू बिगलो यार तुमने मुझे थोड़ा हिट कर दिया ताकि मेरी स्पीड और बढ़ गई। और भाई वो आ रहा है बिगलो हमारा लैम्बोर्गिनी के अंदर, तो भाई ये बिल्कुल आखिरी लैब है तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत फूक फूक के कदम रखूँगा, क्योंकि अगर मैं ये हारेगा तो मैं दोबारा खेलना पड़ेगा, और दोबारा खेलूँगा तो आपको भी टाइम वेस्ट होगा मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए भाई
और यार मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो थोड़ी बहुत छोटी बनाऊँ, मतलब कि ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊँ, कि आप लोग देखते नहीं यार फिर। और यार मैं इसलिए मतलब कि आप लोगों से पूछता हूँ कि यार मुझे कोई मतलब कि आइडिया दे दो, सजेशन दे दो कि मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, उस हिसाब से बना लूँगा वीडियो, सही है ना। ओबे ओबे ओबे, इसको कहते हैं पासा पलटना। ओए हो, देखो तो आप। अबे भाई अभी मैं बातों बातों में लिटरली मैं हार जाता। अभी आपको स्टेटस दिखाता हूँ इसका, जो स्टैंडिंग्स होती है, पोजीशन मेरी पहले है। लेकिन लेकिन भाई बिग लोगों को भी बिग हैंड मतलब के शाउट आउट में देना चाहूँगा कि यार बंदा 5 पॉइंट मतलब के 5 मिनट 48 मिनट मतलब मेरे पीछे, मतलब 1 सेकेंड मतलब के समझ लो यार, 1 सेकेंड भी अगर मुझसे गलती होती ना, समझ लो आप देख सकते हो कि 1 सेकेंड भी पूरा नहीं है। 91 ऊपर देखो, 47.91 है, समझ लो सिर्फ 9 सेकेंड वगैरह में मतलब के मैं आगे इससे रहा हूँ, बिल्कुल आगे। मैंने बोला कि भाई ये जीत जाएगा और ये बहुत स्पीड में आ रहा है। क्या लैम्बर्गिनी उसके पास आखिरकार, यार लैम्बर्गिनी आपको बात है यार, क्या अलग ही बात है उसकी। तो चलो गाइस हमारी वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होती है, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, और फिर से कहना चाहूँगा कि भाई हॉरर पे हॉरर गेम प्ले चाहिए तो मैं ज़रूर बताओ कमेंट के अंदर। और अगर तुम लोग चाहते हो GTA के अंदर, GTA वाइस सिटी पे बनाओ वीडियो, या GTA 5 पे, जो भी हो मतलब कि, या कोई और सा, इन तीनों में से कोई और सा गेम प्ले कोई हो, मैं कमेंट में बताना, मैं ज़रूर खेलूँगा। और चलो भाई अब इसकी लैम्बर्गिनी निकालते हैं भाई, आ जाओ भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भाई दूसरे के अंदर अक्सर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ निकलती, तो मैं दूसरे के अंदर सोचता है कि लैम्बर्गिनी हो। चलो देखते हैं। अबे यार पैसा नहीं चाहिए यार, मानता हूँ कि $20,000 काफ़ी मायने रखता है, लेकिन यार लैम्बर्गिनी की बात ही अलग है, लैम्बर्गिनी करोड़ रुपये की है। अपना तो पहले में हो सकती है, तीसरे में हो सकती है। चलो अल्लाह का नाम लेके तीसरे पे करते हैं, नहीं मिले तो अल्लाह मालिक है। ओए होए भाई मिल गई, मुबारक हो आप सबको। इसी बात चैनल को करो सब्सक्राइब, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।